और इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी होता है। अगर इन परीक्षा को पास करके अगर वो उच्च शिक्षा तक उच्च शिक्षा वाले कॉलेज में जाते हैं तो उसकी पूरी फीस सरकार के द्वारा भरी जाती है। इन योजनाओं को समझने की आवश्यकता है। अगर इन योजनाओं का हमने फायदा लिया तो हर घर में मास्टर होगा। आज विनम्र की बात कि लोग डॉक्टर मास्टर इंजीनियर पत्रकार अच्छे वकील बनना छोड़ दिए। मतलब हर व्यक्ति जब पांचवी थोड़ी सी समझदारी आती है तो कहीं ना कहीं वो राजनीति का झंडा पकड़ के घूमने का काम करता है। राजनीति का झंडा पकड़ने का काम करता है तो यहाँ तक रखना, इस गांव में केवल एक ही सरपंच होगा। हजार लोग फॉर्म भरेंगे लेकिन एक व्यक्ति जीतेगा जिसमें है दम, वो है बाजीराव सिंह का। ये कहानी लागू होता है। लेकिन अगर हर घर का बच्चा पढ़ाई करेगा तो कोई मास्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई पत्रकार बनेगा, कोई वकील बनेगा। लेकिन आज हमारा समाज क्या कर रहा है, उस दिशा से भटक गया है। हमारे समाज के युवा भटक गए हैं कि उनको हर कोई को नेता बनना है। नेता कोई बनता नहीं है। नेता वो बनता है जो पब्लिक के लिए काम करता है। नेता बनने के लिए कोई सांसद विधायक टिकट नहीं चाहिए। जो व्यक्ति समर्पित होकर काम करता है उसको जनता ऑटोमेटिक दिल में जगह देती है। वो होता है जनता का नेता। उसको कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है, कोई पद की आवश्यकता नहीं होती। कलेजा चाहिए, अगर कोई भूखे व्यक्ति को अगर खाना दे दिया तो वही आपके वही उसके लिए आप जिंदगी भर के लिए हीरो बन जाओगे। ये ताकत है, ये मानवता का सबसे बड़ा उदाहरण है। और ये तब आएगा जब हमारे समाज के लोग अच्छा पढ़ाई लिखाई करें, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, अच्छा पढ़ाई लिखाई करें, तब जाके हमारा जो समाज आगे बढ़ेगा। निश्चित तौर से अगर सभी माता पिता लोग अगर ये चाहेंगे तो मैं चाहूंगा कि आप ऐसा प्रयास करें। अभी थोड़ी देर के लिए सुन लीजिए, बैठ जाइए। कोई नेता आया होगा, मेरे से बड़ा कोई नेता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मैं अपने जेब से पैसा खर्च करके समाज के लिए आता हूँ। नेता लोगों को तो ऑलरेडी पैसा